दोस्तों नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आप सभी को, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे तरफ से आप सभी को, यानी कि नीतू के तरफ से आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज ना मैं घर का सारा काम जो कि निपटा ली हूँ और आज मेरा जल्दी सारा काम मैं कर ली हूँ। आज मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप सभी वीडियो में एंड तक बने रहिए और आगे आप सभी को बताते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको पता चलेगा और आप सभी को बताएंगे भी। तो हम ना ये वाली साड़ी अभी जय की पहनेंगे, इसका पेटीकोट। गाइस देखिए हम निकाल लिए हैं, ये गोल्डन पे ये रेड कलर वाले चूड़ा पहनेंगे और मेरे पास गोल्डन गले का भी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं ये रेड वाली पहनूँगी क्योंकि ये चूड़ा रेड है और ये गले का, जो कि मैं अपने भैगनी के शादी में ये ऑनलाइन परचेज़ की थी, ये वाले, तो ये वाली साड़ी पहनूँगी मैं। तो चलिए अभी तैयार होते हैं। तो देखिए मैं ना जब नहा करके आती हूँ तो दो चीज़ यूज करती हूँ, एक है ये एरोवेरा, तो ये कभी कभी यूज करती हूँ, ऐसे नहीं करती हूँ, ज़्यादातर मेरा ये रहता है नारियल तेल, तो ये नारियल तेल ही ज़्यादा मैं यूज करती हूँ और नाइट में सोते टाइम में भी नारियल तेल का ही ज़्यादा करती हूँ मैं। तो चलिए नारियल तेल लगा लिए हैं और हाथ में भी लगा लेते हैं। अभी पूजा की थी ना तो सिंदूर थोड़ा सा लगाई हूँ, तो ये लगा लिए हैं। मैं कोई सीरम वगैरह नहीं लगाती हूँ। अब लगाएंगे क्रीम, तो क्रीम डेली नहीं लगाती हूँ लेकिन आज लगा रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा आज ज़्यादा लिए हैं क्योंकि आज जो है कि अच्छे तरीके से तैयार होना है, बहुत अच्छे हैं। अब इस पे लगाएंगे ये सूखा वाला पाउडर, ए इसको लिखा, अभी रख वहीं पे, अभी उसको वहीं रख। तो सूखा पाउडर जो है मैं डेली लगाती हूँ, आज थोड़ा अच्छे से तैयार होना। दो अभी रुको, दिखाए हैं, काजल लगा लेती हूँ। काजल ये 10 रुपये वाली है, ये वाली झुमका पहन, कोई महंगा काजल नहीं लगाती हूँ। लिपस्टिक लगाऊंगी, लिपस्टिक लगाने के पहले लगाऊंगी ये छोटा सा जो एरोवेरा का, ये लक्ष्मी का है। उसमें हल्दी सब नहीं डाली है? हाँ डाल दो, डालो। तो मैं सब्जी भी बना रही हूँ, अब लगा लेती हूँ लिपस्टिक, ये रेड कलर। आईब्रो तो मेरा बना हुआ नहीं है, होली में बनाएगी केक। होली में केक थोड़ा खाते हैं, बोल रही है होली में केक बनाने के लिए। इतने दिन से वो रोटी फ्रूटी रखा है, रोटी फ्रूटी। हाँ तो मेरे पास ना रेड बिंदी तो नहीं है, हाँ एक मिला, इसी में बनाएगी? नहीं सारी तो नहीं, रेड वाली गोल्डन वाला। ये सब्जी हो गया क्या? तो चलिए फाइनली अच्छे से तैयार हो जाते हैं, साड़ी वाड़ी पहन लेते हैं, फिर आप सभी को फाइनल लुक दिखाते हैं। मंगलसूत्र भी पहनो,
रेड रेड हो गया है। कैसी लग रहे हैं दोस्तों आप सभी बताइएगा। और यहाँ पर उसी डब्बे में रखो ठीक है ना। पहन लिए मंगलसूत्र भी पहने किराने दे पसंद है लेकिन पहनना पसंद नहीं है। पहनने के लिए बहुत हिचकिचाती हूँ मैं। कुछ भारी नहीं लगता। गले का लक्ष्मी पहनाइए पूरा हील डोल रहा है। कैसे पहना है पता नहीं। देखो थोड़ा सा और टाइट करिए। तो गाइस देखिए फाइनली तैयार हो चुके हैं। बस ये हमको गाइस इस तरह से तैयार हुए हैं। और अभी नेल पॉलिश है ना लगाने के लिए। और ये साड़ी ना हमको बहुत टाइम लगता है पहनने में और अच्छे से हम पहने नहीं है। बस ये सीधा पल्ला रखी हूँ तो बस ऐसी पहन ली हूँ लेकिन इसको पहनने में ना बहुत टाइम लगता है ये वाला साड़ी को। इसीलिए मैं ज़्यादातर ये साड़ी नहीं पहनती हूँ। ज़्यादातर ये रखा हुआ ही रहता है। लेकिन ये जो है कि अंकुश के पापा के पसंद का ये साड़ी है। और इसका ना ब्लाउज जो है इसी साड़ी में है। अभी सिलाया भी नहीं है तो ये ब्लाउज भी इसी साड़ी का है लेकिन इसमें भी ब्लाउज है दो ब्लाउज है। तो इस तरह से साड़ी हम पहने हैं। पीछे का भी दिखा दूँ इस तरह से देखिए पहने हैं। प्लेट में सब थोड़ा सा नेल पॉलिश भी लगा लेते हैं। इसमें लगा हुआ है इसमें लगा दोनों में लगा। बनाते हैं और ये साड़ी में ना बहुत गर्मी भी लग रही है और वजन भी ज़्यादा मोटा भी है ये वाला साड़ी। तो चलिए वीडियो बनाते हैं उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। जैसे हम ना इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब पे वीडियो डाल दिए हैं शॉर्ट वीडियो आप लोग जा करके देखिएगा। और ना अभी टाइम ना 1 बज गए हैं और मैं खाना नहीं खाई हूँ और नाश्ता भी नहीं की हूँ। बस सुबह में ही मैं ग्रेप्स खाई थी जिस टाइम हम तैयार हो रहे थे उसी टाइम पूजा करने के बाद। तो अभी अंकुश के पापा आ गए और जाते हैं खाना खाएंगे और खाना भी हम बना लिए हैं। तो चलते हैं खाना खाते हैं उसके बाद जाके आप सभी से मिलते हैं। और अंकुश के पापा आ गए बच्चे लोग भी खा लिए हैं खाना और अंकुश भी जाके स्कूल से आते हैं। चलते खाना खाएंगे बहुत जोर भूख लग गई है। खाना खा लिए हैं और किचन का हालत देख सकते हैं। तभी जाते हैं पूरा किचन को साफ करेंगे। गले का मैं निकाल दी हूँ चुभ रहा था गले में इसलिए निकाल दिए हैं। और इतना टाइट है यह सबको खोलती हूँ उसके बाद किचन को साफ करेंगे। और अभी ना 2 बज गए हैं हम उस टाइम घर ही नहीं देखे थे। 2 बज रहे 2 बजे खाना खाई हूँ आज। अभी शाम का टाइम है। आज मैंने काफ़ी सारे रील्स बनाई और मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा। आप अपने लिए कुछ करते ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो घरेलू कामों के काम के बाद अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर ज़रूर जीना चाहिए। तो आज ना मुझे इतना अच्छा लगा ना इतना सारे काम करने के बाद अपने लिए तैयार हुई वीडियो शूट करी इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब पर पोस्ट करी तो ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मैं यही चाहती हूँ कि हर हाउसवाइफ अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए ज़रूर जो कि कुछ करना चाहिए। और अभी शाम का टाइम है और अभी ना लाइट नहीं है शाम का क्या। आज ना थोड़ी लेट हो गई खाना बनाने में ना कि 8:30 बज चुके हैं और ना थोड़ी सी बारिश भी हो रही है हवा चल रही है इस वजह से लाइट जो है ना गोल हो गई थी। तो मोबाइल जला के मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ। और तो ना आप लोग मेरे YouTube Facebook और Instagram पे ज़रूर जाइएगा। Instagram पे नीतू फैमिली ब्लॉग्स करके है और Facebook पे नीतू शर्मा करके है और YouTube का तो आप सभी जानते ही हैं। तो चलिए आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर